Only 15 minutes left. Rajat, Khushi, क्या हो रहा है ये? You want to go out of the class? No, sorry sir. क्या बनाती रहती है वेली लड़की? साथ लेके क्यों घूम रहा तू? साथ क्यों नहीं लेके घूमूंगा? इतना टट्टी रिएक्शन तूने वहाँ पे दिया था ना, इससे अच्छा वहीं छोड़ आता, इसे फाड़ देता वहीं पे। यार टट्टी रिएक्शन नहीं दूंगा तो क्या करूंगा, क्लास में टेस्ट चली जा रहा है, तू इरिटेट कर रही है साइड में बैठ के। इरिटेट? रजत, दो कौड़ी का यूनिट टेस्ट था वो, उसके मार्क्स भी नहीं जुड़ने। तो टेस्ट टेस्ट होता है, ठीक है? कितनी बार समझाया ना पढ़ाई और आशिकी को अलग अलग रखा कर तू। अच्छा सॉरी ना, सॉरी ना आशिकी। क्या होता है आशिकी, और हर चीज तेरी घूम फिर के इसी से लिंक हो जाती है। जैसे पहले तो हम बकचोदी करते ही नहीं थे ना। नाइन्थ क्लास में एग्जाम के बीच में उठ के मैंने तेरे लिए गाना गाया था, बार बार दिन ही आया क्योंकि तेरा बर्थडे था, ना कि इसलिए कि मुझे आशिकी करनी थी तेरे साथ। अरे यार। नहीं यार, मतलब कोई भी बात होती है तो रिलेशनशिप को क्वेश्चन करने लग जाता है, आई डोंट लाइक इट। अरे यार मैं क्या, इट्स ओनली बीन अ ईयर सिंस वी हैव बीन डेटिंग, उससे पहले से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये भूलियो मत तू। और तू ये भी मत भूलियो कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं थी, तू आया था मेरे पास कि मैं आई थी तेरे पास। All I wanted was a friend in you, और तूने उस पे भी हक दिया। खुशी? हे खुशी,
बहुत नाराज हो गया। यार कुछ तो बोलो। हाँ चलो मेरे से बात मत करो, शुक्ला की रुचि से बात करा दो। शुक्ला आजा, रुचि का फोन है, बात कर ले। क्या बात कर रहा है भाई, क्या बात कर रहा है? देना रॉन्ग नंबर था साले, तेरे को अब तक समझ नहीं आया? रॉन्ग नंबर होता तो बात नहीं करते। सॉरी रॉन्ग नंबर बोल के फोन काट देते हैं, चल जा यहाँ से। ठीक है भाई। कुछ यार अभी तो मैं मजाक में बोल रहा था, पर अदरवाइज आई एम वेरी सीरियस। मैंने जो भी किया बहुत स्टूपिड था, और उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी यार। तुमने ऐसा किया क्यों? पता नहीं यार, दिमाग खराब हो गया था मेरा। बहुत रीजन सोचे यार, लेकिन कोई भी रीजन ना जस्टिफाई नहीं करता मैंने जो भी किया। लाइक व्हाट रीजंस? मतलब जैसे मिल सकते हैं कुछ, हम एक बार फेस टू फेस ज़्यादा बेटर बता पाऊंगा। आई डोंट नो यार, मुझे पता तू मुझे ट्रस्ट नहीं करती, और मैं ऐसा कोई रीजन भी नहीं दे मुझे ट्रस्ट करने का। बट यार फॉर दिस जस्ट वन टाइम कैन वी मीट एंड टॉक प्लीज खुशी? लिसन आई हैव टू गो, मैं आई विल कॉल यू बैक। बाय। कौन था खुशी? लॉन्ड्री वाले भैया हमारे। अच्छा, लॉन्ड्री वाले भैया को आई विल टॉक टू यू लेटर। तुझे नहीं पता? अरे उनका नाम भी तो है ना मॉडर्न लॉन्ड्री, तो दैट्स हाउ दे टॉक नाउ। प्लीज, मैं ना तुझे तब से जानती हूँ जब तू ऑर्कुट पे रॉकिंग खुशी के नाम से हुआ करती थी। एक दूसरे के लिए स्क्रैप्स और टेस्टिमोनियल्स लिख कर बड़े हुए हैं, तो मुझसे ना मत झूठ बोला कर प्लीज। हाँ, वॉज इट करण? यार खुशी, वाई आफ्टर एवरीथिंग दैट्स हैपेंड? आई डोंट नो, मुझे पता है उसने जो किया है वो माफ करने के लायक नहीं है। Out of all people, he doesn't deserve a second chance. Exactly, he doesn't. यार मैंने रजत से भी तो यही मांगा था ना, a second chance. एक सेकंड, तू रजत से क्यों कंपेयर कर रही है? वो एक नंबर का गधा था, और तू उससे सेकंड चांस क्यों एक्सपेक्ट कर रही थी? तेरी क्या गलती थी यार उसमें? खुशी खुशी, ओके Let's not go there. चल बता, करण क्या बोल रहा था? तो कह रहा था कि हमें मिलके बात करनी चाहिए। मिलना है? सीरियसली? सीरियसली मिलना है? पहली बार फोन पे बात हो रही है और तूने कह दिया मिलना है? भाई पागल वागल हो रखा है क्या तू? क्यों? क्योंकि तू ऋषभ पंत है मेरे भाई, आते से धोनी मत बन यार। पिच पे टाइम ले थोड़ा, इन सब चीजों में ऐसे हड़बड़ाते नहीं है यार। हड़बड़ा रहा हूं मैं। ऐसे अपने यौवन के वश में आके उत्तेजित मत हो। क्या? चिल द फक डाउन ब्रो। तू ना ऐसे समझता ही नहीं है भाई। सुन, भाई खुशी से मिलना है कि नहीं? मिलना है। चल फिर ना। तो अब हम आ गए हैं सेमेस्टर टू में, जिसका पहला सब्जेक्ट है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। तो मिस्टर करण, आप मुझे ये बताइए कि पहली बार जब आप खुशी से मिलेंगे तो आप क्या बात करेंगे? क्या बात करूंगा? सो
सॉरी बोलूंगा सबसे पहले। नहीं चूतिए नहीं, सॉरी तो वो पिछले एक हफ्ते से तुझसे सुन ही रही है मेरे भाई, वो सुनने के लिए थोड़ी ना मिलने आई है। तुझे पता मेरा दोस्त जस्टिन क्या कहता है? जस्टिन कौन है? Is it too late now to say sorry? हाँ मेरे भाई हाँ, बहुत तो मांग ली माफी, अब आगे बढ़। कैसे बढ़ू आगे? देख उसके लिए तुझे तीन चीजों का ध्यान देना होगा। नंबर वन, माहौल मिला कुवत, मेरा मतलब माहौल बना मेरे भाई माहौल, थोड़ा टाइम ले। अभी तक तूने उससे जितनी भी बात की है वो रजत बनकर की है भाई, लेकिन अब वो तुझसे यानी करण महाजन से पहली बार मिलने के लिए रेडी हुई है, तो थोड़ा उसे भी टाइम दे। इट इज 2020 वेयर वर्चुअल इज रियलिटी, तो पहले वो तुझे वर्चुअली एक्सेप्ट करेगी, फिर बाद में रियल लाइफ में मिलेगी। दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर टू, डी आर एस यानी कि धोनी रिव्यू सिस्टम। इस वक्त खुशी की हालत कोहली की तरह है जब बुमराह अंपायर से LBW की अपील करता है और अंपायर दे देता है सीधा नॉट आउट। तब एक कंफ्यूज्ड कोहली DRS लेने से पहले विकेट के पीछे धोनी की तरफ देखता है ताकि वो बुमराह की अपील से गुमराह ना हो जाए। एंड राइट नाउ खुशी इज कोहली, यू आर बुमराह एंड धोनी इज द वन एंड ओनली रुचि। तो खुशी को क्या करना है वो रुचि बताएगी, और इसीलिए रुचि को सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई भाई, भाई, भाई। मैं इस टाइम खुशी से रुचि का नंबर नहीं मांगने वाला। मिल चुका है भाई, मिल चुका है। हम दोनों चूतियों के दिमाग में ये बात आई नहीं कि तुझे एक्सपोज करने के लिए वो रुचि तंदूरी नेशन वाली मंदी बनकर अपने नंबर से फोन किया था यार। चलिए चुपचाप तू मुझे नंबर फॉरवर्ड कर दे, आगे का मैं संभाल लूंगा। क्या बात कर रहे हो रुचि से? वो तो मुझ पे छोड़ दे, अगर वो धोनी है तो मैं भी दादा से कम नहीं। लॉल ये क्या था? अरे यार सुबह से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि और क्या बोलूं, तो सोचा फैमिली ग्रुप से गुड मॉर्निंग ही उठा के भेज दूं। तुम्हारा फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप स्लो है, ये वाला मेरे ग्रुप पे परसों ही आ गया था। स्लो ही सही पर मेरी गुड मॉर्निंग तो आज ही हुई है ना। यार क्या करती है तू, और तू ये क्या कर रही है सुबह सुबह? यार कल ही डिलीवर हुआ है, UFO का स्मार्ट मास्क है। इसे ना सिंपली अपने फोन में फोरियो स्वीडन ऐप से पेयर कर सकते हो, फिर मास्क अटैच करो, ट्रीटमेंट सिलेक्ट करो और अपनी स्किन पे ग्लाइड करो। एंड गेस व्हाट, 90 सेकंड्स में डन। मेरी स्किन को बिना डीप हाइड्रेशन चाहिए, अब तेरी तरह रो रो के तो मैं अपनी स्किन नहीं हाइड्रेट कर सकती। वैसे तेरा चेहरा तो इसके बिना ही आज खिला हुआ है, क्या फिर से मॉडर्न लॉन्ड्री? हाँ यार क्या करूँ मैं इस लड़की का, समझती ही नहीं है। एक दिन ना आंटी को फोन करके सब बता दूंगी, समझती ही नहीं है कभी। अरे कुछ नहीं यार, वो रुचि थी। अबे शुक्ला ये रुचि के क्या टंटे हैं यार, मैसेज किया तूने? भाई मैसेज तो सिर्फ बच्चे करते हैं, लेजेंड सीधा कॉल करते हैं। अच्छा और मुझे क्या कहता था, मैसेज कर कॉल मत कर क्या? तू रॉन्ग नंबर था बेटे, मैं राइट हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। हाय
हेलो हेलो जी, मिस सीमा बोल रही है। सीमा जी, सीमा जी, मैं कल ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਦੂਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ ਤੇ ਲੈਗ ਪੀਸ ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ। ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੋ ਕੋ ਪਕੜ ਕਰ ਜਿਮ ਮੇਂ ਸਕੁਆਟਸ ਲਗਵਾ ਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਏ। ਬੜੇ ਫਰਮ ਔਰ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਥੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਫਰਮ ਔਰ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੂੰ। ਆਪਕਾ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। एग्जैक्टली नंबर रॉन्ग है लेकिन इरादे नहीं। कौन बोल रहा है? हाय रुचि, शुक्ला दिस साइड, करंस फ्रेंड। यार कैन आई प्लीज टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स? आर यू सीरियस? तुम लोग मेरी फ्रेंड को ऑलरेडी इतना हर्ट कर चुके हो और अब मुझे फोन कर रहे हो, वो भी ऐसे? यार तुमने भी तो सीमा बन के कॉल किया था, मुझे लगा तुम, इट वॉज जस्ट अ जोक। दिस इज नॉट अ जोक। लिसन, आई एम गेटिंग लेट फॉर माई क्लास। मुझे ना तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन या किसी चीज़ की ज़रूरत है। एंड वॉट यू गाइज डिड वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, सो आई हैव नथिंग टू से टू यू। प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। अरे रुचि, वो बाथरूम में थी यार। हाँ बाथरूम में थी, वो आवाज गूंज रही, सुना ना तूने भी तो? हाँ वो बाथरूम में थी। हुँ. पर हाँ तूने दिया। साले सीधा पॉइंट की बात नहीं कर सकता था शुक्ले, पहले बकचोदी करनी जरूरी होती है हर बात से पहले? यार यार वो आइस ब्रेक कर रहा था यार, मैं नहीं 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 समझ रहा, कुछ समझ यार। आइस ब्रेक करने के चक्कर में सर पे मार ली ना बर्फ अपने। भाई सॉरी यार, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ मैं, बीकॉम या बायो वाला थोड़ी की लड़कियों से कैसे बात करता है पता होगा मुझे। भाई जहाँ पे हमारे सपने पूरे होते हैं ना वहाँ उनके स्ट्रगल चालू होते हैं। तो ठीक है मेरे एमसी शेयर, तू कुछ करियो मत इसके आगे, मैं अपने आप देख लूंगा। लॉल, डिड शुक्ला जस्ट कॉल रुचि? ले आ गई तेरी करतूत की खबर। देख देख, एटलीस्ट मेरे वजह से बात तो करिए तुझसे। अबे साले, ठीक है ना यार, पागल है शुक्ला। बट ही इज अ गुड फ्रेंड। सो इज रुचि, अब आना तू मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, देखती हूँ। यार जस्ट इमेजिन कितना फन होगा अगर ये दोनों कभी मिल जाए तो। तानी मिट्टी या रोज मिल्क, दोनों होगा क्या? पटा लेगा शुक्ला और क्या। घंटा, रुचि एकदम सख्त लड़की है। काफी हैरान है क्या ना, ये हम अपना मिलना इमेजिन नहीं कर पा रहे और इन दोनों का सोच के बहस कर रहे हैं। शुक्ला, कुत्ते साले, ना चाहते हुए तू इतना अच्छा कैसे कर लेता है यार? ढंग के कपड़े डाल लियो, मिलने जा रहे हैं आज। हाय गाइस, वी होप कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि फाइनली अब वो टाइम आ गया है जिसका आपको और हमको ना जाने कब से इंतजार था, करण और खुशी की मुलाकात का। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है ये मुलाकात कैसी होगी,
और आपके हिसाब से रजत और खुशी की रिलेशनशिप कैसी थी? इवन मोर इम्पोर्टेंटली, क्या शुक्ला जी रुचि पर अपना चाम चला पाएंगे? ये सब आपको पता लगा एपिसोड 2 में, सो प्लीज स्टे ट्यून टू एपिसोड 2 एंड डू सब्सक्राइब टू RBCJ एंड वन मोर थिंग, स्टे होम स्टे सेफ।